हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हमने ट्रैकिंग की शुरुआत करी हुई थी। ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, वहाँ से हमने शुरुआत करते हुए ये पूरे ट्रैक को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और अभी हमें जाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो टॉप है जहाँ पर आपको ये ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, हम वहाँ तक जाने वाले हैं। सो अभी ये पूरा रास्ता है, ये आधी अभी थोड़ा सा आराम वाले जोन में है। पूरा फैमिली अभी दूर आप देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पर। यस दोस्तों, वसुधारा का ट्रैक ऑलमोस्ट 60% हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी नेक्स्ट 40% बाकी है। और ये कंप्लीट करने के बाद, वसुधारा को टच करने के बाद, हमें वापस 5-5.5 किलोमीटर जाना है। सो ट्रैक सुपर है, वंडरफुल है, बच्चों को कंफर्टेबल ट्रिप दे, उससे अच्छा लगता है कि बच्चों को एडवेंचरस ट्रिप दे, बच्चों को नेचुरल ट्रिप दे। तो आपका वैकेशन बच्चों के साथ ज़्यादा बॉन्डेशन को क्रिएट करेगा, ज़्यादा इंटीमेसी को क्रिएट करेगा, ज्यादा लव एंड केयर को क्रिएट करेगा। टाइगर जल्दी ऊपर चढ़ो। यस फ्रेंड्स, 4:15 बजे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। एंड अभी भी ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैक है कि जो कंप्लीट करते हुए हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सो सुबह के 11 बजे के हम निकले हुए थे एंड अभी 4 बजे हम वापस, एंड वहां से हम वापस आ रहे हैं। सी दोस्तों द नेचर, सी द नेचर, नेचर में आके बॉडी माइंड सोल सब कुछ ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। सो मेरा और मेगा और अध्याय सबका नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करना, वो सबसे बेस्ट टाइम है। हम तीनों को सबसे ज्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी 5 बज चुके हैं, आने यहाँ तक वापस हमारे बेस तक जाना है। जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हट्स वगैरह आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमारी कार पार्क है, वहाँ तक हमें जाना है। और अभी भी ये पूरा रास्ता है जो हमें कंप्लीट करना है। सो लेट अस होप कि जल्दी से अंधेरा होने से पहले ये ट्रैक कंप्लीट हो जाए। यस, फिनिश करने के बाद मिलते हैं। यस फ्रेंड्स, और अभी ऑलमोस्ट 6:15 बजे हैं, हम सुबह में 11 बजे निकले थे। सो तकरीबन 7-7.5 घंटे आसपास की हमारी ये जर्नी रही। अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं सारे माउंटेंस और सारी चीज़ें राइट। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद हमने जर्नी की शुरुआत करी हुई थी एंड नाउ अभी एंड शायद चाय को एंजॉय करेंगे।